हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर से होप आपने अभी तक मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी जो XUV 300 के लिए मैंने बनाई हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एयर रिसर्कुलेशन क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी गाड़ी में अगर आप देखेंगे एक सिंबल आता है एयर रिसर्कुलेशन का। अब आप सोचेंगे इसका यूज़ क्या है। जब AC चलता है तो ये कूलिंग अच्छी करता है, कूलिंग तो AC करता है, बट इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है कि जब जो गाड़ी के अंदर की एयर होती है उसी हवा को ये रिसर्कुलेट करता रहता है अंदर ही गाड़ी के। और जब कभी सर्दी बहुत ज़्यादा ना हो और सर्दी मतलब मौसम ऐसा है कि हम बाहर की हवा को लेना चाहें गाड़ी के अंदर, तो इस फीचर को ऑफ़ कर सकते हैं। आप इसे ऑफ़ कर दो, बाहर की हवा आएगी अंदर, सर्कुलेट करेगी और वो हल्की हल्की कूलिंग रखेगी। बट जब गर्मी ज़्यादा होती है उस टाइम पे अगर हम चाहते हैं कि कूलिंग अच्छी रहे, बनी रहे और वो ही फ्रेश अंदर की हवा ही सर्कुलेट होती रहे, तो हम इसको फिर से ऑन कर देंगे। तो ये फीचर इस तरीके से बहुत ही अच्छा काम करेगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बाकी की वीडियोज़ देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।